को आगे जाने ही नहीं दिया। अभी हम अपनी जान बचा के एकदम इस पॉइंट पे आए और सारी गाड़ियां आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं अभी राजा जी नेशनल पार्क और ये भैया जी हैं। भैया जी आपका नाम? साबिर। ये साबिर भाई के साथ हम आए हैं अभी। तो अभी जिस हम पार्क में आए हैं, ये पार्क वैसे तो सातों दिन ओपन होता है और इसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग में 7 से 10 और ये इवनिंग में जो होता है 2:30 से 4 बजे। और रास्ते में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर पक्षी जानवर आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमारे आगे कोई आया नहीं है। अभी तो जो यूजुअली हमारे इधर देखने को मिलते हैं वही जानवर है। अभी आगे जो आते हैं फिर हमको हम आपको दिखाते हैं। राजा जी नेशनल पार्क का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य जी के नाम पर रखा गया। 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजा जी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ हिरण, चीते, सांबर और मोर भी पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की 315 प्रजातियाँ पाई जाती है। राजा जी उद्यान 15 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अधिक वर्षा के कारण बाकी दिनों में इसको बंद रखा जाता है। मेरा और एडवेंचर का बहुत खास रिश्ता है। आज इसकी वजह ये गजानन जी बने। शायद इनको हमारा इनके इलाके में आना खास पसंद नहीं आया। तो आइए इन्होंने क्या किया आगे देखते हैं। वैसे भाई साहब बहुत कम जंगल की तरफ आते हैं, पर आज हम आ रहे थे तो आज इन्होंने हमें स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दी। परली साइड और अभी हमें राजा जी नेशनल पार्क की बेरीवाड़ा में और एक हाथी हमारे पीछे लगा हुआ काफी दूर से, इसको आधा किलोमीटर से हमें पीछे जाने ही नहीं दे रहा है। जो अभी ये आप एलिफेंट देख रहे हैं, इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। हमारी वजह से यहाँ आए बाकी लोगों का भी अच्छा खासा एडवेंचर हो गया। जो वापस की ओर जा रहे थे हमारी वजह से उनको भी आगे की ओर जाना पड़ा। इन सबको पता ही होगा गाड़ी वालों को ना इसके बारे में। तो अभी हाथी ने अभी हमको आगे जाने ही नहीं दिया।
अभी हम अपनी जान बचा के एकदम इस पॉइंट पे आए हैं और सारी गाड़ियां आप देख सकते हो, ये सारी वापसी आते हुए। अभी जो हमारे ड्राइवर हैं वो वाइल्ड लाइफ वालों को बोलने गए हैं एक बार इसके बारिश की करतूत बताने को। ये एकदम जाने ही नहीं दे रहा, ये देखो सारी गाड़ियां अभी वापस आ रही हैं हमारी, जो जो गाड़ियां थी सारी वापस आती हुई। और जी जो कैसा लग रहा है आपको? गुड एक्सपीरियंस। ऐसा एडवेंचर वो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो यहाँ पक्षी एनिमल्स देखने आए थे, मेरी हमारे साथ सीन कराए साथी ने। चलो देखते हैं अब क्या होता है आगे, घर जाते हैं आज रात में तेरी बितानी पड़ेगी। ये अपनी जान को खेल में डाल दी हमने, हाथी को पार कर दिया, गणपति बाप्पा हो गया, कोई बचाएंगे। तो अभी वो पल था जब इन्होंने हमसे आर पार की सोच ली थी। और ये जो हमको पूरा सफर इतने अच्छे से चीज़ें सारी बताना और अच्छे से सारा तय करवाया, ये हमारे भैया साबिर जी हैं। कभी आप आए तो इनका नंबर और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ये आपको दे देंगे। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप इनको कॉल कर लेना। तो अभी हम जा रहे हैं वापस राजा जी नेशनल पार्क से बाहर। अच्छा एडवेंचर हुआ हमारे साथ फर्स्ट टाइम में। अगर आपको कभी इधर आना हो तो सबसे बेस्ट विजिटिंग टाइम आपका यही है जिस टाइम हम आए हैं, इवनिंग का, और मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, या तो एक अर्ली मॉर्निंग अब अगर आप आ सके तो, अगर आप सो के उठ जाएँ तो। हाँ, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको मैं भैया जी से पूछवाता हूँ कि वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आप अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो भैया जी, अगर आप कोई इधर आने का प्लान कर रहे हैं तो उसको किन किन चीज़ों को देखना है, जैसे कि? हाँ जी, सबसे पहले तो सर यही है कि आपको जीप से नहीं उतरना है, कुछ भी हो जाए जीप से नहीं उतरना। और दूसरा ये है कि आपको जंगल की सेफ्टी का ध्यान रखना है, साथ साथ में प्लास्टिक वगैरह ना डालें, और हाथियों से ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में ना रहें क्योंकि ये जंगली जानवर होते हैं, इनको पता नहीं होता किस टाइम क्या करें। ज़्यादा चमक दमक के कपड़े ना पहने, इससे जो है उनको अग्रेसिव फील होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके साथ जैसा हमारे साथ हुआ, अगर ऐसा आपके साथ इंसिडेंस हो जाता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी गाड़ी से नहीं उतरना। जिनके साथ आप आए हो उन पे पूरा ट्रस्ट करना है। आपकी जान तो उनके हाथ में है ही, उनकी जान भी तो है ना, तो वो अपनी जान को तो थोड़ी जोखिम में डालेंगे। तो आपको गाड़ी से उतर के कहीं नहीं भागना। कभी आप सोचो कि हम पैदल भागते हम बच जाएंगे तो वो आपको आपका ही रिस्क होगा। वैसे तो इधर लेपर्ड भी काफ़ी सारे हैं, बट हमने उनके लिए अब एडवेंचर नहीं लिया क्योंकि हमारा और कुदरती इतना ख़तरनाक एडवेंचर हो गया है कि हमने और एडवेंचर का चांस नहीं ले रहे। अब हम जा रहे हैं दोबारा क्योंकि हमें अभी ऋषिकेश भी जाना है, तो इसलिए अभी टाइम को देखते हुए आगे का सफ़र जारी रखते हैं। आपको हमारी एडवेंचर भरी सफारी पसंद आई होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।